निमरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करिश्मा भोसले। ये नाम काफ़ी सुर्खियों में पिछले 4-5 दिन से, क्योंकि करिश्मा भोसले ने पीएमजी नगर के मस्जिद में अजान के लाउड स्पीकर के ऊपर आवाज़ उठाई थी और उन्होंने ट्वीट भी किया था और ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद में अभी के हालात ये है, आज का अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने करिश्मा भोसले के माँ उनको नोटिस भेजा है। ये दोनों को भी नोटिस भेजा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए, ऐसा बोल के एक नोटिस भेजा है। अभी हम पूरी जानकारी लेते हैं नोटिस के बारे में। मुंबई पुलिस इशूड ए नोटिस ऑन करिश्मा भोसले फॉर आस्किंग नेबरहुड मॉस्क टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ अजान कॉल इट्स इन पब्लिक। मुंबई पुलिस अंडर महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र नोटिस करिश्मा भोसले एंड हर मदर रिक्वेस्ट टू मॉस्क अथॉरिटीज टू लोअर द वॉल्यूम एंड लाउड स्पीकर फॉर ब्रेड अजान। The notice was addressed to Karishma mother Varsha Ganesh Bhosle, who stated the inappropriate of a part of Karishma have visited Noori Islahi Sunni Welfare Association mosque in Manpur, asking the authority to reduce the volume of azan. जब ये करिश्मा भोसले directly मुंबई पुलिस का कहना है कि करिश्मा भोसले को directly मस्जिद के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जाके लड़ने से बेहतर है मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन भोसले ये ना सुनने के बाद में जाके वहाँ पे मस्जिद के पास जाके झगड़ा करने की वजह से पुलिस मुंबई पुलिस ने नोटिस उन्हीं को दिया है। ये देखिए, ये नोटिस की कॉपी है। और करिश्मा भोसले ने काफ़ी ट्विटर पे काफ़ी सपोर्ट गैदर किया है। इनफैक्ट हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे तब उनके सपोर्ट पे आए और इससे पहले किरीट सोमिया, उससे पहले भी किरीट सोमिया आके उनसे मिलके जा चुके हैं। तो किरीट सोमिया की तो नियत ही है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, तो लेकिन ये एक्चुअली मामला इतना बड़ा नहीं था जितना इसको बड़ा कर दिया गया है। और साथ ही साथ में मैं आपको जी वेबसाइट का भी बताऊँगा, जी टी वी का भी, उसका भी ओपिनियन बताऊँगा, वो देख के आपको और ताजुब होगा। करिश्मा भोसले समन्स टू करेज वेंट टू मॉस्क टू आस्क द पीपल लोअर द वॉल्यूम अजान ऑफ मान हर एक्ट वोंट अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेम टाइम मेनी डिड नॉट टेक काइंडली टू इट। मुंबई पुलिस हैव गॉन फॉर बियॉन्ड व्हाट कैन वन इमेज। एज रिपोर्टेड टू पॉपुलर वेबसाइट अ नोटिस इट ऑन 24th 2020 विजिटेड नूरी इस्लाही सुन्नी वेलफेयर एसोसिएशन मॉस्क इन मानपुर विद रेजिंग वॉल्यूम ऑफ द अजान। एक्चुअली ये स्टेटमेंट ये लोग ने गलत लिखा है, ये न्यूज़पेपर है माई नेशन नाम का न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा है कि मतलब वो करिश्मा भोसले ने जाके रिक्वेस्ट किया, लेकिन एक्चुअली रिक्वेस्ट नहीं किया था। कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि वो कौन से बॉडी लैंग्वेज से बात कर रही थी, बाकी कौन से हिसाब से बात कर रही थी। और मुंबई पुलिस का ये कहना है कि बेटर ये है कि आप हमारे पास आके कंप्लेंट देना चाहिए, आपको जाके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करना चाहिए। ये है जी टीवी। कट्टरपंथी के खिलाफ करिश्मा का आवाज़ की आवाज़, भले सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून को नज़र में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले गुनहगार है, लेकिन वो खुलेआम हर रोज़ नियमों को अपनी जेब में रखकर कारस्तानी करते रहते हैं। ऐसे ही मजहबी ठेकेदार को आईना दिखाने की कोशिश करिश्मा भोसले नाम एक महिला ने किया। मस्जिद में होने वाले अजान को लाउडस्पीकर पर बजाने वाले करिश्मा के नियमों को पालन करने की गुजारिश की तो मजहबी कट्टरपंथियों ने झड़प कर सामना कर पड़े। ये जी टीवी है, ये जी टीवी ऐसे ही बोले, इस पर भरोसा है, तो ज़्यादा शौक है हिंदू मुस्लिम करने का। ये ट्विटर है करिश्मा भोसले का। करिश्मा भोसले पहला ये ट्वीट करती है, ये देखो कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मुझे बोलते हैं इस्लाम ने कहा मस्जिद रजिस्टर्ड है। मैंने कहा क्या लाउडस्पीकर और उसका वॉल्यूम भी रजिस्टर्ड है?
पीएम जी कॉलोनी में लड़ते रही, आज मैंने आवाज उठाई है, आप भी आवाज उठाइए। और हैशटैग चलाया गया अजान बंद करो। इसके बाद में दूसरा ट्वीट आता है, ये देखो ये लोग पुलिस वाले खुद से कैसा बर्ताव कर रहे हैं और ये महिला कैसे पुलिस वालों को धक्का मार रही है, प्रशासन इन पर कार्रवाई कब करेगी और मस्जिद का लाउडस्पीकर कब बंद करेंगे। ये उनका दूसरा ट्वीट। अब ये तीसरा ट्वीट है, अजान बंद करने का मस्जिद रजिस्टर्ड है, ओ आओ भागो नहीं। क्या है नियम और कानून ये भी जानते हैं। आपको बता दें कि परिवार संरक्षण कानून 1986 के तहत आने वाले ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 की पांचवी धारा सार्वजनिक स्थानों पर बजाने वाले ध्वनि यात्रों से लाउडस्पीकर का मनमाने तरीके से बजाने को लेकर पाबंदी लगाते हैं। आपको इसकी तफसील से जानकारी देते हैं। उसके बाद में एमएलए विधायक साहब आ जाते हैं। एमएलए हैज स्पोकन दिस वे इज आस्किंग टू लीव द रेसिडेंस वी कांट बेयर द हाई वॉल्यूम ऑफ अजान वी शॉल रिप्लाई ऑन देम। ये एमएलए जिसकी बात कर रहे हैं ये अबू हाशिम आजमी की बात कर रहे हैं। अबू हाशिम आजमी ने ऐसा ट्वीट किया है, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन करिश्मा भोसले ने ऐसा बताया है। मंदिर में तो घंटा बजाते हैं, मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा तो धमकाया, एमएलए ने कहा घर बदल दो। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में लाउडस्पीकर का अजान देना शुरू देना दूसरे लोगों को अधिकार में दखल देना है। मुंबई में एक महिला ने मस्जिद के लाउडस्पीकर का अजान कम करने का अनुरोध भारी पड़ गया। करिश्मा भोसले नाम की इस महिला ने ट्विटर पर अपना दर्द साझा किया है। उन्हें धमकाया गया, बल्कि करिश्मा जब उन्हें विधायक से मदद मांगी तो उन्होंने कहा घर बदल लेना। मानपुर इलाके में रहने वाली करिश्मा भोसले के अनुसार उनके घर के पास ही मस्जिद की लाउडस्पीकर लगी है, इसलिए वो आवाज़ कम करने के अनुरोध लेकर मस्जिद गई थी। लेकिन मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोग करिश्मा और उनकी माँ से बहस करने पर उन्हें धमकाया और उन्हें साथ झड़प करने लगी। जैसे कि ये पूरा न्यूज देख रहे हैं आप, न्यूज में ये क्लियरली मेंशन बता रहा है कि मतलब ऐसा क्लियरली बता रहे हैं कि मतलब वो करिश्मा भोसले जो है वो रिक्वेस्ट लेके गई थी, लेकिन एक्चुअली करिश्मा भोसले रिक्वेस्ट लेके नहीं गई थी। उन्होंने पहला पुलिस को ट्राई करना चाहिए था, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होने के बाद में वहाँ पर जाना चाहिए। जब इतनी हिम्मत रखती है, जब मस्जिद डायरेक्ट जा सकती है, तो पुलिस स्टेशन पुलिस फेस करने में प्रॉब्लम क्या है, जाके पुलिस स्टेशन में फेस करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए था, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली कम होता था। अभी पुलिस को ये डर है कि कहीं ना कहीं ये कोविड 19 के पीरियड पे लॉ एंड ऑर्डर का मामला ख़राब नहीं हो जाए, इसके वजह से पुलिस ने नोटिस उसी को दे दिया है। अभी देखते हैं नवभारत टाइम्स। मुंबई में अजान की आवाज़ पर तकरार, थाने पहुंचने वाली मुंबई मानपुर ये है। मुंबई की अजान पर तकरार, थाने पहुंचा मामला। मुंबई के मानपुर इलाके में करिश्मा भोसले नाम की एक लड़की ने घर के सामने मस्जिद है या नमाज के दौरान लाउडस्पीकर बजाए जाने पर को दिक्कत दी है। तेज आवाज अजान पर आपत्ति दर्ज करने करिश्मा पुरानी मस्जिद आई, वह तो मस्जिद अथॉरिटी के सदस्यों से उनकी काफ़ी कहा सुनी हुई। मामले इतना बढ़ गया है कि बता दें कि मंत्री नेता राज ठाकरे भी और सिंगर सोनू निगम भी पहले लाउडस्पीकर पर अजान किए जाने को लेकर विरोध जता चुके हैं। सोनू निगम जिसने विरोध किया था वो अभी लॉकडाउन के पीरियड पे दुबई में निकाले उन्हें, और दुबई में
हर 15 मिनट में अजान सुने हुए हैं, और उन्होंने ये भी ट्विटर भी किया कि मतलब अजान की आवाज़ काफ़ी प्यारी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। मैं सेक्शन बताता हूँ कौन से सेक्शन में इसको मूवी हुआ है। करिश्मा भोसले को The notice read such as act pose threat to law and order situation in the region of director Karishma and her mother to avoid the rules following which they will be booked under section 188. Section 188 के तहत उनको notice दिया गया disobeying the order duly promulgated by public servant for violating the notice served under section 149 का notice का उल्लंघन करने के वजह से ये section 188 का उनको notice दिया हुआ है। और मुंबई पुलिस ने जो मानपुर पुलिस है उन्होंने डायरेक्टली करिश्मा से ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, तो डायरेक्ट मस्जिद में जाना लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के चांसेस। आज के लिए इतना ही, मैं करी लिमरा टाइम से शुरू।